नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया नॉवल। नॉवल का नाम है खूनी दौलत, जो सस्पेंस थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग नॉवल का पहला पार्ट, जिसका नाम है खूनी दौलत। भूमिका। अपनी पीछे हटकी खुली खिड़की से चैड मन मन लहरों पर उफनते झाग और धूप में दूर तक बिखरी हुई तपती सुनहरी रेत को देख सकता था। उसकी दाईं ओर दूर पहाड़ी थी, जिस पर वो बल खाती सड़क थी जिससे लहरी को आना था। बीच हट में बहुत गर्मी थी, बिजली का पंखा लगातार फरफरा रहा था और चैट के दमकते हुए चेहरे पर हवा फेंक रहा था। उसने अपना कोट उतार दिया और बाहें ऊपर चढ़ा ली। उसके ताकतवर और मजबूत हाथ मेज पर टिके हुए थे और सिगरेट उपेक्षित से उसकी उंगलियों में सुलग रही थी। उसका डील मजबूत और शक्तिशाली था। गर्मी की तपती धूप में उसकी त्वचा झुलस गहरे तांबई रंग की हो गई थी। बारीक मूछे, भारी नैन नक्श, गंभीर चेहरा, गहरे डिंपल लिए हुए बड़ी सी थोड़ी, मजबूत सख्त जबड़े और हरे रंग की शांत आंखें उसे औसत से ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। उसने स्कॉच की बोतल ली जो उसने टैप रिकॉर्डर के पास रखी थी और अपने लिए बड़ा और तगड़ा पैक बनाकर ग्लास में डाला। उसने कुछ विस्की पी, निगलने से पहले उसे मुँह में कुछ देर रहने दिया और फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 3:20 बाकी थे। लैरी के आने से पहले उसके पास पूरे 2.5 घंटे थे। अगर वो अब डिक्टेट करना शुरू करता और उस पर लगा रहता तो वो अपनी कहानी 2 घंटे में रिकॉर्ड कर सकता था और 1/2 घंटा फिर भी उसके पास बचता था। उसके पास बहुत समय था। उसने थोड़ी विस्की और पी, फिर अपने काले घने बालों में उंगलियां फिराते हुए कुर्सी को पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया। झिझकते हुए उसने दूर दीवार के साथ लगे दीवान को बड़े प्रयत्न के साथ देखा। सूरज की रोशनी का एक छोटा सा घेरा उस मृत औरत के शरीर पर पड़ रहा था, जो पीठ के बल बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उस औरत का सिर और कंधे पलंग के किनारे पर लटके हुए थे, जो उसकी आंखों से दूर थे। ये उसके लिए राहत की बात थी। उसका सूजा हुआ मुंह, घूरती हुई आंखों के साथ काले व नीले पड़े हुए निशानों वाला चेहरा और खुले हुए मुंह से डरावने ढंग से बाहर निकलती हुई लंबी जीभ, ये ऐसा दृश्य था जो वो दोबारा देखना नहीं चाहता था। उसने बलपूर्वक अपनी दृष्टि उस पर से हटाई और फिर वो उस जगह गया जहां उसने कार के टूल बॉक्स से निकालकर भारी रेंच रखा था। उसने रेंच को उठाया और उसे मेज तक ले गया और अपने हाथ की पहुंच में उसको रख लिया। वो दोबारा बैठ गया और दूसरी सिगरेट जलाई। कुछ पल के लिए उसने टेप रिकॉर्डर को देखा, फिर उसने सोचने की कोशिश की कि क्या वो कहने जा रहा था, परंतु उसका ध्यान बार बार कमरे में पड़ी हुई औरत की तरफ जा रहा था। उसने दोबारा आतंक के उन भावों को देखा जो उस औरत की आंखों में उस वक्त उतर आए थे जब उसकी उंगलियां उस औरत की नर्म और नाजुक गर्दन में धस रही थी। अरे छोड़ो भी, उसने अपने आप से जोर से कहा। उसकी आवाज कर्कश और गुस्से से भरी थी। उसे अपने दिमाग से बाहर निकालो, वो मर चुकी है। अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम बुरी तरह से फंस चुके हो और तुम्हें इस जंजाल से निकलना होगा। आओ काम पर लग जाओ। वो आगे बढ़ा और टेप रिकॉर्डर को शुरू करने वाला बटन दबाया। दोनों स्पूलों ने घूमना शुरू कर दिया और वह आगे होकर माइक्रोफोन के ऊपर झुक गया। उसने तेजी से बोलना शुरू कर दिया। शब्द बड़ी शीघ्रता से उसके मुंह से निकल रहे थे, जबकि टेप आराम से एक स्पूल से दूसरे स्पूल की तरफ चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन हैरिंगटन की खास तवज्जो के लिए उसने माइक्रोफोन में कहा, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये मेरे द्वारा यानी क्लिफ साइड लिटिल इडन कैलिफोर्निया के चैड विंटर्स के द्वारा किए गए कत्ल का कबूलनामा है। तारीख है 30 सितंबर, समय है 2:45। वो बाहर सुनहरी रेत और नीले प्रशांत महासागर को देखने के लिए रुका, जिसकी लहरें दूर तक चट्टानों पर धीरे धीरे टकरा रही थी। तब उसने कुर्सी मेज के नजदीक सरकाई। वो कहता गया, इस कत्ल के बारे में आपको बताना आसान होगा। मैंने ये कैसे किया और लेफ्टिनेंट लेगिट ने मुझे उसी क्षण गिरफ्तार क्यों नहीं किया जब वो जान गया था कि ये खून है। पर यह मामला उससे भी कहीं अधिक है। मैं आपके समक्ष साफ और स्पष्ट कहानी रखना चाहता हूँ, ताकि आप न सिर्फ ये जान पाएं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, बल्कि आपको ये भी पता चले कि ये सब क्यों शुरू हुआ
और क्यों एक हत्या पर खत्म हुआ। थोड़ा धीरज रखें, तब तक मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और मेरा साथ दें जब तक आपको वो तथ्य नहीं मिल जाते जिनमें आपकी रुचि है। मैं वादा करता हूँ आपको निराशा या उकताहट नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर सुनिए। पिछले साल मई की बात है, मैं पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय में अपनी मेज पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था और सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अभी बैंक का ही काम करने में व्यस्त हूँ। उस समय मैं सहायक स्टॉक और सुरक्षा क्लर्क था, और सार्वजनिक तौर पर यहाँ एक बात स्वीकार करना चाहूँगा कि मैं कभी भी बैंक क्लर्की के लिए नहीं बना था। सारा दिन एक मेज पर बैठे रहना, दूसरे लोगों के पैसे की रखवाली करना मेरे लिए नरक के समान था। मई के इसी दिन सुबह मेरी फाइल में 5 खत लगे हुए थे जो आज सुबह की डाक से आए थे। उसमें से 4 खत उन दुकानदारों के थे जिनका पैसा मुझे देना था, जो बैंक को मेरी देनदारियों के बारे में साफ साफ बता देने की धमकी दे रहे थे। 5वां खत एक लड़की का था जो मुझे बता रही थी कि वो गर्भवती थी और मैं इसके लिए क्या करने वाला था। मैं लड़की के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, औरतों से तो मैं निपट सकता था, पर दुकानदार मेरे लिए समस्या थे। मैं उन्हें अपनी पुरानी गोली इतनी बार दे चुका था कि मैं जानता था ये दोबारा काम नहीं करेगी। मुझे कहीं से पैसों का जुगाड़ करना था, नहीं तो मैं बैंक से बाहर निकाल दिया जाने वाला था, और तब वो भेड़िए मुझे नहीं छोड़ते। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और ऐसा लगता था मुझे इसके लिए किसी सूदखोर के पास जाना पड़ेगा। मुझे पता था कि एक बार मैं उनके चुंगल में फंस गया तो मैं उनके लिए बड़ा आसान शिकार था, पर मेरी समस्या मेरे सामने मुंह खोले खड़ी थी और मेरी जरूरत मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लोवेंस्टीन का पता जानने के लिए टेलीफोन बुक उठाने ही वाला था कि मेज पर रखे इंटरकॉम ने बजना शुरू किया। विंटर्स, अपनी आवाज को सतर्क और प्रभावशाली बनाते हुए मैंने कहा, चाहे बैंक में मैं ज्यादा काम नहीं करता था पर इस बात का ध्यान रखता था कि इसका किसी को पता ना चले। मिस्टर विंटर्स, क्या आप मिस्टर स्टर्नवुड के ऑफिस में आओगे प्लीज। उस बुलावे का मतलब था मुसीबत। स्टर्नवुड स्टाफ के मेंबर्स को तभी बुलाता था जब वो उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करना चाहता था। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पसीने छूट रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उनमें से कोई कमी ना स्टर्नवुड के पास पहुंच गया था जिनको मैंने पैसा देना था? क्या वो घटिया औरत पोला उस तक पहुंच गई थी? क्या मुझसे काम में कहीं गलती हो गई थी? जैसे ही मैं मेजों की लंबी कतार पार करके स्टर्नवुड के दफ्तर की तरफ बढ़ा, लोगों की निगाहें मुझ पर केंद्रित थी। वे जानते थे मेरा क्या हश्र होने वाला था। वे सभी लोग संतोषी और इज्जतदार किस्म के लोग थे। उनमें से अधिकतर शादीशुदा और बाल बच्चे वाले थे, और जो नहीं थे वे उस प्रकार के लोग थे जो तब तक इंतजार करते जब तक उसे योग्य कोई लड़की ना मिल जाती। टॉम लीडबीटर को अपवाद स्वरूप छोड़कर बाकी लोगों में से मुझे कोई पसंद नहीं करता था। उन्हें ना तो मेरे कपड़ों का अंदाज पसंद था, ना ही वो तरीका जिससे मैं वहां की जूनियर टाइपिस्ट सुंदरियों को बेवकूफ बनाता था, ना ही मेरा काम जितना भी मैं करता था। मेरे प्रति उनकी नापसंदगी उनके चेहरे से साफ झलकती थी, और वो कभी भी मेरे लिए दोस्ताना नहीं थे। इसका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं था। मेरे बहुत दोस्त थे जैसे कि मैं चाहता था, और वे मगरूर नहीं थे, कंजूस भी नहीं थे। मैंने स्टर्नवुड के ऑफिस का दरवाजा धीरे से खटखटाया, दरवाजे की मूठ घुमाई और ऑफिस के अंदर कदम रखा। उम्रदराज स्टर्नवुड और मेरे पिता जीवन भर के साथी रहे थे। यह स्टर्नवुड का ही सुझाव था कि मुझे बैंकर बन जाना चाहिए। मुझसे इस बारे में कोई राय मशविरा नहीं किया गया। मेरे पिता ने सुझाव को फौरी तौर पर मान लिया और मैं तब से यहाँ फंसा हुआ हूँ। 5 साल सेना में बिताने के बाद जिस दिन से मैं काम पर वापस आया था तब से मैं स्टर्नवुड के ऑफिस में नहीं गया था। तब वो काफी मिलनसार था। उसने मुझसे वापस आए किसी नायक की तरह बर्ताव किया था, और तुम्हें बड़ी सफलता पाने का प्रत्येक मौका मिलेगा मार्का बातें की थी। अब की बार उसने मुझे ऐसे नहीं देखा जैसे वो इस बार मेरे गले में बाहें डालकर स्वागत करने वाला हो। अंदर आओ चैड़, मुट्ठी में थामे हुए कागजों को नीचे रखते हुए वो बोला, बैठ जाओ। मैं बैठ गया, सावधानी से बिना कमर झुकाए। उसने मेज पर सिगरेट का एक सुनहरा बॉक्स मेरी तरफ सरकाया। हमने बेहद खामोशी वाले माहौल में सिगरेट जलाए। फिर वो बोला, तुम्हारी कितनी उम्र है चैड? 32 सर। युद्ध के बाद 4 सालों से तुम मेरे साथ हो? जी सर। और 3 साल युद्ध से पहले? ये सही है सर। लीड बीटर हमारे साथ 5 सालों से है। ऐसे कैसे हुआ कि वो आज असिस्टेंट मैनेजर है जबकि तुम अभी भी उसकी जगह अटके हो? मेरे ख्याल से उसे मुझसे ज्यादा मौके मिले सर, मैंने कहा। मुझे पक्का यकीन था किसी तरह का उत्तर वो सुनना चाह रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। इसका कारण यह है कि वो अपने काम में पूरा मन लगाता है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है।
जबकि तुम उतना ही कम काम करते हो जितना तुमसे संभव हो सकता है। ये पूरी तरह से सही नहीं है सर, मैंने बोलना शुरू किया पर उसकी आंखों के भाव देखकर मैं बीच में ही रुक गया। वो तब सख्त मिजाज आदमी साबित हो सकता था जब उसका मिजाज तल्ख हो, और इस वक्त वो उसी रंग में लग रहा था। मुझे बहाने नहीं चाहिए चैड, मैंने तुम्हारी मासिक रिपोर्ट देखी है और पिछले कुछ हफ्तों से मैं तुम्हारा कामकाज भी बखूबी देख रहा हूँ। तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी अपने डिपार्टमेंट में कोई रुचि नहीं है। मेरा मुंह अचानक सूखने लगा। यह सब कुछ खत्म होने की आहट थी और मुझे ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे दोबारा किसी बैंक में नौकरी मिल जाती। अगर मेरे स्टाफ के दूसरे किसी मेंबर ने ऐसा बर्ताव किया होता जैसा तुम कर रहे हो तो मैंने महीनों पहले उससे छुटकारा पा लिया होता। तुम्हें हो क्या गया है चैड, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो? मुझे उससे अचानक इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी, परंतु मुझे तुरंत ही कोई जवाब देना था। जी सर, बिल्कुल मुझे यहाँ पर रहना है। मेरे ख्याल से मैं लापरवाह हो गया था और इसका मुझे दुख है। अगर आप अब की बार मुझे माफ़ी दे देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो। स्टर्नवुड खड़ा हुआ और कमरे में चहलकदमी करने लगा। तुम्हारे पिता और मैं अच्छे दोस्त थे, उसके खातिर मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। तुम्हें अब पूरी तरह से अलग तरह का काम मिलने जा रहा है। मेरी सांस में सांस आई। थैंक यू सर, मुझे शुक्रिया कहने की इतनी जल्दी मत करो, स्टर्नवुड बोला। वो वापस अपनी मेज पर आया और बैठ गया। ये खास काम है चैड, अगर तुम इसे सही ढंग से नहीं करोगे तो ये तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ये काम नाकारा लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम इसमें नाकामयाब हुए तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह में $150 की बढ़ोतरी कर रहा हूँ, पर इसमें कोई गलती ना हो, तुम्हें पाई पाई का हकदार बनना होगा। मैं अब अपनी कुर्सी में जड़वत बैठा था। ऐसा सिर्फ एक ही काम था जो इस विवरण से मेल खाता था, और वो दुनिया का सबसे आखिरी काम था जो मैं करना चाहता था। बैंक का सबसे दुष्कर कार्य, लीडबीटर का दुस्वप्न, वो काम जिसने उसे 6 महीने में गंजा कर दिया। स्टर्नवुड सहसा मुस्कुराया। मेरे ख्याल से तुमने अंदाजा लगा लिया है चैड, आज इस दोपहर से शैली के खातों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे अकेले की होगी। तुम शायद जो शैली के बारे में सब कुछ जानते हो और कैसे उसने अपने 4-in-1 फार्म ट्रैक्टरों से करोड़ों रुपए कमाए और फिर अपने कारखानों को टैंक बनाने में लगाकर अपना मुनाफा दुगना कर लिया। शायद तुम ये नहीं जानते कि 1946 में जब वो मरा तो अपना सब कुछ जिसका वो मालिक था, साथ में $70 मिलियन अपनी इकलौती बेटी वेस्टल के लिए छोड़ गया। उसकी वसीयत के अनुसार उसकी सारी जमीन जायदाद और उसकी बहुत सारी शाखाओं की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पैसिफिक की है, इस प्रावधान के साथ कि अगर कभी वेस्टल अपने मामलों को संभालने में बैंक के कामकाज से असंतुष्ट हुई तो वो अपना बिजनेस किसी और फर्म के पास ले जा सकती है। ऐसे बहुत से बैंक और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म मौजूद थे जो इस तरह का अकाउंट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और पैसिफिक को जल्द ही पता लग गया कि मिस सैरी से जो मुनाफा वो कमाने वाले थे वो बड़ा ही मुश्किल काम था। इस बारे में गलतफहमी ना हो, वेस्टल सैली एक अव्वल दर्जे की घटिया औरत थी। सालों साल वो बूढ़े खुसट जॉर्ज सैली के प्रभुत्व में रही, और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कैसा आदमी था। उसके जिंदा रहने तक वेस्टल ने अत्यंत नरकीय जीवन बिताया। जॉर्ज उसे पैसे की कमी रखता था, डराता था, ना ही उसको बॉयफ्रेंड बनाने की इजाज़त देता था। कभी उसके लिए जॉर्ज ने पार्टी का आयोजन नहीं किया। जीवन के पहले 20 साल वेस्टल ने किसी नन की तरह बंदिशों वाला और शांत जीवन बिताया। अगर उसका स्वभाव अच्छा होता तो शायद किसी को उसके लिए अफसोस होता, पर उसका स्वभाव अच्छी प्रवृत्ति का नहीं था। ये गुण उसने अपने बाप से लिए थे। वो क्रूर, घटिया और कंजूस थी। तो जब बूढ़ों ने आखिरकार आंखें बंद की और उसकी झोली में $70 मिलियन डाल दिए तो वो अपने एकाकी जीवन से किसी खून के प्यासे छूटे सांड की तरह बाहर आई। 6 सालों के अंतराल में पैसिफिक के कम से कम 15 सबसे अनुभवी क्लर्कों ने शैली के अकाउंट को संभालने का प्रयास किया। अगर उन्होंने हताशा में इस अकाउंट से अपना पल्ला ना झाड़ लिया होता तो वेस्टल ने उन्हें नकारा होने के कारण बैंक से निकलवा दिया होता। लीड बीटर बाकियों से ज्यादा वक्त तक टिका रहा। 8 महीने तक वो वेस्टल का गुलाम था, और अगर तुमने उसे तब देखा होता जब उसने ये काम अपने हाथ में लिया था और अब देखा होता जब उसने ये काम मुझे सौंपा, तो तुम्हें अंदाजा होता कि यह जिम्मेदारी अविश्वसनीय रूप से कितनी मुश्किल थी। शैली के अकाउंट के बारे में बैंक में हर कोई जानता था, वे सब इसके बारे में मजाक उड़ाते थे, पर मेरा विश्वास करो, जो आदमी इस पंगे में फंसा होता था वो कभी भी इस हंसी में शामिल नहीं हो पाता था। मैं लीड बीटर के पास गया और उसे एक खबर सुनाई। वो खड़ा हो गया और मानो या न मानो वो असल में कांप रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ,
मैं सही कह रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य, मैं अभी से ये काम तुमसे संभाल रहा हूँ। फिर तो अच्छा होगा कि हम शैली के कमरे में चले और मैं वहां तुम्हें सब अच्छे से समझा दूंगा। शैली का कमरा फर्श से छत तक सैकड़ों फाइल कैबिनेट से सुसज्जित था। प्रत्येक दस्तावेज, प्रत्येक रसीद, प्रत्येक लीज, असल में कागज का हर वो टुकड़ा जो एस्टेट से संबंधित था, इस कमरे में था। 15 मजबूर लोगों ने यहाँ गुलामों की तरह एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम किया था जिसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी गई थी। ये सब इसलिए था कि जब भी कभी मिस सैली मुंह उठाकर कोई मांग करे और किसी किराए या डिविडेंड के बारे में पूछे तो जो आदमी उस वक्त यहाँ काम कर रहा हो वो उसे कम से कम समय में तत्काल सूचना दे सके। लीड बीटर ने फाइल ए से शुरू किया और सामने आने वाले सभी कागजातों के बारे में मुझे बताता गया जब तक वो अंतिम फाइल जेड तक नहीं पहुंच गया। मैंने उसे रोका। अरे रुको एक मिनट, मैंने मेज पर बैठते हुए कहा, मैं इस कबाड़ के बारे में सब कुछ नहीं जानना चाहता, इसलिए अभी छोड़ो इसे। उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैंने अपनी माँ की हत्या जैसा कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। लेकिन तुम्हें यह सब जानना पड़ेगा, उसने कहा, उसकी आवाज में तीखापन था। ये फाइलें इस अकाउंट का आधार है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। मैं हैरान था कि उसने बातें करते हुए अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों फेर ली थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें चीजें कहाँ मिलेंगी, वो बोलता रहा और अचानक उसकी आवाज में कंपन होने लगा था जिसने मुझे चिंता में डाल दिया। तुम्हें एहसास नहीं है कि इस अकाउंट के साथ कितनी भारी जिम्मेदारी है। मिस सैली की उम्मीद अपने काम के मामले में लोगों से बहुत ऊंची है। ये अकाउंट देश का सबसे बड़ा अकाउंट है, ऐसा कभी मत करना कि ये हमसे छूट जाए। मैंने एक सिगरेट जलाई। ये तुम्हारी और मेरे बीच की बात है, इसका मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इस अकाउंट को खो देते हैं, मैंने कहा। अगर तुम अस्टर्नवुड ये उम्मीद रखते हो कि इसके लिए मैं अपनी रातों की नींद हराम करूंगा तो तुम अलग ही बात सोच रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधा खड़ा रहा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसका सिर झुक गया, उसके हाथ में इसकी एक दराज पकड़े हुए थे। मैंने देखा वो कांप रहा था। तब उसने कुछ ऐसा किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कुछ ऐसा जिससे मेरे रूह तक सिहरन दौड़ गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और उसने किसी पगलाई औरत की तरह सुबकना शुरू कर दिया। समस्या क्या है टॉम, तुम यहाँ बैठ जाओ और धीरज से काम लो। मैंने उससे सहारा दिया और कुर्सी तक ले जाकर उसको बिठा दिया। वो वहां ढेर हो गया, अपने हाथों से उसने मुंह ढक लिया। वो सांसों की जगह रह रहकर सुबकियां ले रहा था। ये सब उसके लिए इतना दयनीय और हराने वाला था कि वितृष्णा की बजाय मुझे उसके लिए दुख और चिंता हुई। ये महज कायरता की बात नहीं थी, शायद उसके सब्र का बांध टूट गया था। घबराओ मत, उसके कंधे थपथपाते हुए मैंने उससे कहा, शांत रहो बेवकूफ आदमी, ये कोई तरीका है इस तरह से व्यवहार करने का? उसने अपना रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछा। अपने आप को कंट्रोल करने में वो जितना जोर लगा रहा था ये देखना मेरे लिए एक भयानक मंजर था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मुझे लगता है मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई थी, वो एक बार फिर अपना मुंह पोंछते हुए बोला। इस सारे तमाशे के लिए मुझे अफसोस है विंटर्स, मेरा मकसद। अरे छोड़ो इसे, मैं मेज पर बैठ गया, तुम थक गए लगते हो, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, क्या ये सही है? तुम नहीं जानते वो कैसी औरत है, वो अचानक फट पड़ा। मैंने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, मैंने उसकी गुलामी की, मैं ये काम करते रहना चाहता था। स्टर्नवुड ने मुझसे साल के आखिर में तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, मेरा बड़ा बच्चा स्कूल जा रहा है और इस बढ़ोतरी से मुझे ज्यादा खर्च में मदद मिलती, पर मिस शैली को इस बढ़ोतरी के बारे में पता चल गया, उसको हर चीज की सूंग लग जाती है, उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानते इस महीने मैं किस स्थिति से गुजरा हूँ, स्टर्नवुड ने इस मामले से मुझे बिना एक शब्द कहे सुने हटा दिया। परंतु वो तुम्हारी तनख्वाह में बढ़ोतरी क्यों नहीं चाहती थी, मैंने हैरान होते हुए पूछा, कई काम की अधिकता ने उसे पगला तो नहीं दिया था? तुम रुको, वो गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें अभी तो पूरा विश्वास है, पर तुम देखना वो औरत किसी को भी खुश देखना पसंद नहीं करती, वो किसी को भी सफल नहीं होने देना चाहती। तुम सोच सकते हो कि तुम उससे पार पालोगे, कुछ देर में तुम्हें पता चलेगा कि वो सब कुछ अपने वश में कर रही है, वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, रात में भी तुम्हें कुछ पूछने के लिए, कुछ काम पूरा करने की याद दिलाने के लिए फोन करेगी। इस हफ्ते 3 बार उसने मुझे अर्ली सुबह 2 से 3 बजे सोते से जगाया, 2 बार दिन में उसने मुझे बुलावा भेजा और मुझे सारा काम छोड़ना पड़ा और वहां जाना पड़ा, और तब वहां घंटों के इंतजार के बाद उसकी सेक्रेटरी फिर मुझे बताती है कि वो इतना व्यस्त थी कि मुझसे नहीं मिल सकती थी। रात दर रात काम पूरा करने के लिए मुझे देर तक रुकना पड़ता क्योंकि वो हमेशा मुझे सूली पर टांगे रखती।
कुछ महीनों में तुम भी ऐसा महसूस करोगे जैसा मैं महसूस कर रहा हूं। तुम ऐसा सोचते हो, मैंने उसकी तरफ रुक करते हुए कहा, पर तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैं जानता हूं ऐसी औरतों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये घटिया औरत मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी, तुम मेरी इस बात को याद रखना। मेरी डायरी में मेरे लिए 15 मई को सुबह 11 बजे वेस्टल सैली को कॉल करने के लिए एक नोट था। पूरे हफ्ते के दौरान मैंने इस मीटिंग के लिए तैयारी के लिए बहुत कम काम किया था। मुझे लीड बीटर से इसके लिए ज्यादा सहायता नहीं मिली। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुझे अप टू डेट करने के लिए वह सही मानसिक अवस्था में नहीं था, पर यह बिंदु मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। हाल ही में वेस्टल ने 3 मांगे रखी थी, और क्योंकि लीड बीटर उनके ऊपर उससे सहमत नहीं हो पाया था, वेस्टल ने स्टनवुड पर उसको हटाने का दबाव बनाया था। पहली वो चाह रही थी कि आयकर विभाग उसके एक मिंक कोट को, जिसकी कीमत $25,000 थी और जो उसने अभी हाल ही में लिया था, एक जायज खर्चे के रूप में माने और उसको कानूनन हुए खर्चे की दावेदारी में शामिल करे। जैसा कि लीड बीटर ने उसे सही समझाया था, ये बचकाना सुझाव था और आयकर अधिकारी सोचते कि बैंक पगला गया है अगर वे ऐसा कोई दावा पेश करते। उसकी दूसरी फरमाइश थी कि शैली फाउंडेशन, जो कि लोअर ईस्ट साइड में 2 मील के दायरे में फैला किराए के लिए घरों का एक विशाल भूभाग था, कि सारे किराए को 15% की दर से बढ़ा दिया जाए। लीड बीटर ने उसे याद दिलाया कि अभी पिछले साल उसने किराए बढ़ाए हैं और वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। उसे इस मामले में शैली फाउंडेशन को संभाल रही एस्टेट मैनेजमेंट फर्म हैरिसन एंड फोर्ड का पूरा समर्थन था। उनका दावा था कि किराए पहले ही किरायेनामों की सभी हदों को पार कर चुके थे और कलेक्टर्स किरायेदारों से और अधिक उगाही करने में सक्षम नहीं थे। उसकी बैंक से तीसरी मांग वेस्टर्न एवेन्यू स्थित मकान नंबर 334, जो एक बड़ा आलिशान घर था, को बेचने की थी, जिसे उसके पिता ने 1914 में खरीदा था। देखा जाए तो वो एक जायज मांग थी। इस जायदाद के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी। वहां 5 किरायेदार ऐसे थे जो वहां तब से रह रहे थे जब से उम्रदराज सैली ने उसे खरीदा था। बैंक का मानना था कि उसकी सुनी जानी चाहिए थी। वेस्टल को घर के मामले में मोए बर्गे से एक ऑफर मिली थी। ऑफर काबिले गौर थी, क्योंकि मोए घर को डिलक्स वैश्यालय में तब्दील करने को बेताब था। इसलिए बाकी के उन सभी पेचीदा प्रश्नों के अलावा जो वो मुझ पर दाग सकती थी, मुझे इन 3 बिंदुओं से भी पार पाना था, अगर मुझे किसी हद तक उसके लिए काम करने में कामयाब होना था। 15 तारीख की सुबह 10 बजे के बाद जल्द ही मैंने बैंक से अपने अपार्टमेंट के लिए टैक्सी ली और अपने रोजमर्रा के कपड़े बदले। जब लीड बीटर शैली की आवाज क्लिफ साइड में जाता था, तो वह हमेशा पारंपरिक काला सूट पहनता था। मैंने वेस्टल से अलग ही अंदाज में मिलने का निश्चय किया। मैंने पीले रंग की लिनन की बड़ी जेबों वाली स्पोर्ट्स जैकेट, सफेद रंग की कमीज और उसके ऊपर पीले और भूरे रंग के पोल्का डॉट्स वाला गले का स्कार्फ, नेवी रंग की गैबर्डीन पैंट्स और चमड़े के जूते पहने। मैं एक नाकामयाब क्लर्क के बजाय एक कामयाब फिल्म अभिनेता की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा था और ऐसा ही दिखना चाहता था। ऊंची खड़ी पहाड़ी के आगे से शैली के निवास की तरफ एक प्राइवेट सड़क अलग से जाती थी। 3 मील तक घूमते और घुमाते ऊंचाई दर ऊंचाई पर चढ़ती और आखिर में समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर यह सड़क आखिरकार लोहे के बने हुए 15 फुट ऊंचे विशालकाय गेट पर जाकर खत्म हुई। टैक्सी जैसे ही रास्ते के आखिरी मोड़ पर मुड़ी, घर की पहली झलक ने मुझे सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ आलिशान होने की उम्मीद कर रहा था, परंतु ये घर नहीं था, ये महल था। मैं एक सफेद संगमरमर के चमकते हुए विशाल, भव्य और प्रभावशाली टेरेस पर खड़ा था। सामने के दरवाजे से टेरेस तक 100 संगमरमर की सीढ़ियों की चढ़ाई तो आराम से थी। इससे पहले कि मैं कोई घंटी या कुंडी ढूंढ पाता, कई दरवाजों में से एक खुला और हरगिज वेस्टल का खानसामा दरवाजों के बीचे बीच नमूदार हुआ। वो किसी पादरी के जैसे शांत और रईसी टपकाते चेहरे वाला विशालकाय मोटा और थुलथुल आदमी था, जिसकी अपेक्षापूर्ण नजरें किसी बर्फीली हवा की तरह मेरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक टकराई। मैं मिस्टर विंटर्स हूं, मैं बोला, क्या मिस सैली हैं? वो एक तरफ हो गया और मैंने पेंसिल्वेनिया सेंट्रल स्टेशन जितने बड़े हॉल में कदम रखा। सर, आप यहां बैठिए। वो फिर वहां से चला गया, अपना सिर ऊंचा उठाए और कमर को किसी छड़ी की भांति अकड़ाए हुए। मैं वहां घूमते हुए आबनूसी दीवार पर चमचमाते हुए लड़ाई में पहने जाने वाले कवच फर्श से भाले और बड़ी बड़ी तलवारें देखने लगा। वहां लंबे तगड़े खूबसूरत सैनिकों की ऑयल पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो फ्रांस हाउस के ब्रस का कमाल हो सकती थी या शायद नहीं भी। घर के माहौल का असर मुझ पर होने लगा था। मनी मन अपने पहनावे पर मुझे अफसोस होने लगा। यहां तक कि वेस्टल सैली से मिलने में भी मुझे डर लगने लगा। मेरे दिमाग में साफ सुथरा गहरे रंग का कोट पहने, पसीने से भरे हाथों में ब्रीफकेस थामे टॉम लीड बीटर का अक्स उभर आया, जब वो इस जबरदस्त हॉल में उस युद्ध की प्रतीक्षा करता था जो वो जानता था कि वो कभी नहीं जीत सकता था।
हरगिज कुछ मिनटों के पश्चात लौटा। क्या आप मेरे साथ आएंगे? उसने गलियारे में चलना शुरू किया और मैं उसके पीछे हो लिया। हम एक कॉरिडोर में पहुंचे जिसमें 10 टन की क्षमता वाला ट्रक आसानी से समा सकता था और एक दोहरे दरवाजे पर जाकर हम रुके। हरगिज ने धीरे से खटखटाया, हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन से मिस्टर विंटर्स, उसने कहा और इस ढंग से कहा कि जैसे वाड़ेविल के सभागार में तीसरे दर्जे के किसी नाटक की उद्घोषणा कर रहा हो। मैंने अपने आप को संभाला और अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था पर रोशनी और फूलों से भरा हुआ था। एक बड़ी खिड़की बड़े से टेरेस पर खुली थी जिससे बाहर बाग का और दूर समुद्र का बड़ा दिलकश नजारा दिखाई दे रहा था। खिड़की के साथ एक बड़ा डेस्क लगा था और उस डेस्क के पीछे एक लड़की थी जिसके काले बाल पीछे बंधे हुए थे और जिसकी नीली आंखें बिना फ्रेम के चश्मे के शीशों से मुझे घूर रही थी। उसके पीछे की तरफ बंधे बालों और चश्मे से आगे मैंने नहीं देखा और यहीं पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईव डोलान के बारे में जो मैं अब जानता हूँ, ये कमाल की बात थी कि मैं उसमें वो चीज उस वक्त नहीं पहचान पाया जो मेरे जीवन को अगले कुछ महीनों में नरक बना देने वाली थी। मैं चश्मे से औरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ तो इसलिए उसको भी नजदीक से देखने की चेष्टा नहीं की और उसके पीछे की तरफ बंधे बालों का प्रभाव था कि सीधे मैंने उसे सती सावित्री वाले श्रेणी की औरतों में डाल दिया और मैं ऐसी बहन जी छाप लड़कियों में ना तो इच्छुक हूँ और ना ही होऊंगा। मिस्टर विंटर्स, उसने पूछा और मैं देख सकता था कि वो मेरे पहनावे की तरफ देख रही थी। जी बिल्कुल। ओह, मेरा नाम मिस डोलान है, मिस सैली की सेक्रेटरी। क्यों ना आप बैठ जाए, मिस सैली को थोड़ा वक्त लग सकता है। मुझे वो सब याद था जो लीड बीटर ने मुझे बताया था, कैसे वो घंटों इंतजार करता था और फिर उसे जाने के लिए कह दिया जाता था। वो सब मेरे साथ नहीं होने वाला था। जब मिस सैली को मेरी जरूरत हो तो तुम गार्डन में से मुझे बुला लेना, मैंने उसे कहा और बाहर टेरेस की तरफ चल दिया। मैंने उसे कुछ कहते हुए सुना पर मैं बाहर आ गया। मैं टेरेस पर कुछ सीढ़ियां उतरा और एक जंगले पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। मैं काफी तनावग्रस्त था पर मैं बार बार अपने आप को आश्वस्त कर रहा था कि मैं इस औरत से बिना मिले नहीं टलने वाला था। अपनी अगली कार्रवाई से पहले मैंने उसे 15 मिनट का समय देने का निश्चय किया, इससे ज्यादा नहीं। मैं वहां चीनी मालियों की पूरी फौज को धीरे और आराम से लॉन की पगडंडियों और क्यारियों की देखभाल करते हुए देखता रहा। मैंने 3 सिगरेट धुआं बनाकर उड़ा दी जबकि मेरी घड़ी की सुइयां रेंगती रही। आखिरकार 15 मिनट पूरे हुए, मैं वापस मिस डोलान के अभ्यारण्य में दाखिल हुआ। क्या मिस सैली अभी तक मुझसे मिलने को तैयार नहीं? मैंने उसके डेस्क पर हाथ टिकाते हुए और आगे झुकते हुए पूछा ताकि वो उस लैवेंडर की महक पा सके जो मैंने शेविंग के बाद इस्तेमाल किया था। मेरे ख्याल से नहीं, उन्हें थोड़ा समय और लगेगा मिस्टर विंटर्स। मुझे एक सादा कागज और एक लिफाफा चाहिए। ये मांग उसके लिए अचंभित करने वाला था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने एक रेक की तरफ इशारा कर दिया जिसमें कागज और लिफाफे थे। शुक्रिया, मैंने कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने आगे झुककर उसके सामने से उसका टाइपराइटर उठा लिया और उसे अपने सामने रखते हुए एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर अपना इरादा बदल दिया। वो अपनी डायरी में कुछ लिखती रही पर मैं देख सकता था कि दिमागी रूप से मैंने उसे परेशान कर दिया था। मैंने नीचे वाला नोट लिख दिया। डियर मिस सैली, मैं तुमसे मिलने के लिए पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। मिस डोलान ने अब मुझे बताया है कि तुम अभी भी और देरी कर सकती हो। मैं एक विवेकशील आदमी हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं आपको याद दिलाऊं कि इस प्रत्येक क्षण में जिसमें मैं तुम्हारे सुंदर बगीचे में निठल्ला बैठा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैसा और तुम्हारा समय दोनों बर्बाद कर रहा हूँ, खासतौर पर तुम्हारा पैसा। एक पुरानी कहावत है कि जब निवेशक सोते हैं तो शेयर बाजार रुक नहीं जाता है। मिंग कोर्ट से संबंध रखता हुआ भी थोड़ा सा मसला है जिस पर हम दोनों को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने ये नोट साइन किया, उसे लिफाफे में डाला, कमरा पार किया और पुश बेल पर अपना अंगूठा दबा दिया। 1 मिनट बीत गया तब दरवाजा खुला और एक नौजवान नौकर अंदर आया। ये नोट लेकर अभी मिस सैली के पास जाओ। यस सर। उसके बाद एक लंबा खामोश अंतराल वहां गुजरा जिस दौरान मैं खिड़कियों के पास मंडराता रहा और बाहर बगीचों की तरफ देखता रहा। अपनी नसों को आराम देने के लिए मैंने एक सिगरेट जलाई। मैंने अपने आप को संभाला परंतु अंदर से मैं काफी अशांत था। पल बीतते गए, मैंने अपनी नजरें घड़ी पर टिकाए रखी। क्या मेरा पैंतरा फेल हो जाने वाला था? तभी मैंने दरवाजे पर खटखटाने की आहट सुनी और दरवाजा खुला। मेरा ध्यान खींचने के लिए हल्का सा गला साफ करने की आवाज मुझे अपने पीछे सुनाई दी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा, वही नौजवान नौकर अदब से मेरे पीछे खड़ा था। मिस शैली ने आपको मिलने के लिए अब बुलाया है सर, प्लीज इधर से आइए। मैं दरवाजे तक उसके पीछे गया और जब वो आगे चला गया तो मैं मिस डोलान को देखने के लिए ठिठका।
वो बिना हिले डुले बैठी मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और शायद थोड़ी सी प्रशंसा के भाव थे। मैंने उसे आंख से धीमा पर लंबा शरारतपूर्ण इशारा किया और फिर नौकर के पीछे हो लिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बादलों पर चल रहा हूँ। मेरे दिमाग में कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं थी कि वेस्टल सैली देखने में कैसी लगती होगी। ऊंचे डायस पर सजे विशालकाय बेड पर बड़ा रेशमी तकिया लगाए हुए उसे वहां पसरी हुई देखकर मुझे झटके जैसा कुछ लगा। वो बहुत ही छोटे से बदन की मालकिन थी। मैं इतनी दूर से उसमें कुछ भी नहीं देख पाया। पहली चीज जो मुझे दिखाई दी वो था उसका गाजरी रंग के उलझे हुए बालों का गुच्छा, जो एक डरावनी गुड़िया के बालों की तरह उसके छोटे से सिर के ऊपर किसी प्रेतीय आभा मंडल की तरह टिका हुआ था। वो हद से ज्यादा कृशकाय थी। उसकी बड़ी सी चमकती आंखें काले घेरों वाले गड्ढे में गहरी धंसी हुई थी। मुझे उसकी छोटी तीखी नाकबाज की चोंच की तरह दिखाई दी। उसका मुंह बड़ा था और सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक की परत के नीचे ढका था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। तुम चैड विंटर्स हो? उसने पूछा। उसके शरीर के आकार और पतलेपन के हिसाब से उसकी आवाज आश्चर्यचकित रूप से भारी और सुरीली थी। जी मिस सैली, मैं लीड बीटर के बाद आपका काम देखूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर स्टर्नवुड। मैं बीच में ही रुक गया क्योंकि मैंने देखा वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। वो बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये तुमने लिखा? उसने मेरा लिखा नोट ऊपर उठाया। हाँ, उसने कुछ असहज और लंबे लगने वाले क्षणों तक जैसे मुझे पढ़ने की कोशिश की। तुम बहुत हैंडसम हो मिस्टर विंटर्स, क्या तुमने ये कपड़े मेरे फायदे के लिए पहने हैं? बिल्कुल, आप शायद बैंक के साधारण से क्लर्क से जल्दी उकता जाती हैं। आपने बैंक के 15 लोगों को मौका दिया है मिस सैली, और अब सिर्फ मैं बचा हूँ। मैंने सोचा कि शायद कुछ नयापन आपको अच्छा लग सकता है। ये तुम्हारी अकलमंदी है, उसने नोट हिलाकर कहा। ये भी तुम्हारी अकलमंदी है, मेरा तुम्हें कुछ देर और इंतजार करवाने का इरादा था। मैंने सोचा था आप ऐसा कर सकती हैं, इसी कारण मैंने ये नोट लिखा। उसने अपना सिर झुकाया। कुछ देर उसने मुझे और परखा, फिर बेड के किनारे की तरफ इशारा किया। क्या तुम बैठना पसंद नहीं करोगे? मैं डायस की 4 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। ये मेरे मिंग कोट के बारे में क्या बात है? उसने अपनी पैनी निगाहों से मेरा चेहरा देखते हुए कहा। हालांकि पिछले हफ्ते मैंने शैली की फाइलों पर काम नहीं किया था, पर उन 3 बातों पर मैंने खास ध्यान दिया था जिनकी वजह से लीड बीटर को समस्या हुई थी। उन सबका हल मेरे पास था, पर मैं आश्वस्त नहीं था कि वो हल बताना मेरे लिए कितना मुनासिब रहेगा। वो सब बताने से पहले मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे सुझाव पसंद नहीं आए तो आप भूल जाएंगी कि मैंने उन्हें आपके सामने रखा था। उसकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा के भाव उत्पन्न हुए। बोलना जारी रखो। अब तक मिस सैली, आप बैंक से आपके कामकाज को संभालने के तरीके से संतुष्ट नहीं है। जितना मैंने सुना है कि बैंक ने आपको वो सलाह देने की सोची है जो आप सुनना नहीं चाहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप और बैंक एक नदी के 2 किनारों की तरह से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस नदी को पार करूं और आपकी तरफ से काम करूं। उसने मुझे गौर से देखा। तुम मुझे दिलचस्प लग रहे हो मिस्टर विंटर्स, अब मुझे मिंग कोर्ट के बारे में बताओ। आप इसे अपने खर्चे में शामिल करने के लिए कह रही हैं। बैंक और आयकर अधिकारियों की राय में ये एक नाजायज और बचकानी मांग है। उसने मुझे घूरना जारी रखा। उसका चेहरा भावहीन था। अगर ऐसा हो पाता है, मैंने बोलना जारी रखा, तो मैं इसका सारा दोष सरकार के निकम्मेपन को दूंगा यदि मैं ऐसा घोटाला करके बच सकता हूं। परंतु बैंक का ऐसा रुख नहीं है। बैंक की परवाह मत करो। इस समय हमें बैंक को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि केवल बैंक के द्वारा ही हम इस आइटम को जायज खर्चे में दिखा सकते हैं। आयकर अधिकारी बैंक के आंकड़े बिना किसी शंका के कबूल करते हैं। हालांकि बैंक को अपने आंकड़े स्थापित करने के लिए रसीदें चाहिए, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसी रसीदों को कभी कभार ही पूछा जाता है। तुम बोलते रहो मिस्टर विंटर्स, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। इस मिंग कोट की कीमत को आपकी खर्च की हुई राशि में दिखाने का एक ही तरीका है कि इसे किसी दूसरी आइटम के खर्चे के रूप में दिखाया जाए। मैं एक क्षण के लिए रुका, फिर बोलना जारी किया, और ऐसा करना धोखाधड़ी करना कहलाता है। वहां अचानक एक लंबी खामोशी छाई रही। उसकी प्रतिक्रिया पर बहुत कुछ निर्भर था। उसके चेहरे ने मुझे कुछ बयान नहीं किया। उसकी आंखें मेरे दिमाग का जायजा लेती रही। क्या तुम इसे दोहराओगे मिस्टर विंटर्स? उसने आराम से कहा। मैं एक क्षण के लिए झिझका। कहीं मैं अपनी गर्दन तो फंसवाने नहीं जा रहा था। क्या वो अभी टेलीफोन उठाकर स्टर्नवुड को बुलाएगी? मिस सैली, ये राजस्व में यानी सरकारी खजाने में हेराफेरी होगी। वे आपको जुर्माना लगा सकते हैं और यहां तक कि आपको इसके लिए जेल भी भेज सकते हैं। क्या इसका उन्हें पता लग सकता है? मैंने राहत की लंबी सांस ली। उसने एक झटके से ये सब कह दिया जो मैं जानना चाहता था। बाकी सब अब आसान था।
अगर उसने फ्रॉड के सुझाव को नापसंद किया होता तो मैं फंस गया होता। पर उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, वो तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इस बात का पता बैंक को लगेगा कि नहीं। जिस तरीके से मैं इसे हैंडल करूंगा, उसे पकड़े जाने का मौका सैकड़ों में से एक है, और मैं सोचता हूँ कि ये एक वाजिब खतरा है। तुम इसे कैसे करोगे? बहुत पहले 1936 में आपके पिता ने अपनी कई फर्मों में काफी मरम्मत करवाई थी। ये मरम्मत एक जायज खर्च थी और उन्होंने किए गए इस खर्च का दावा किया और उन्हें ये मिला। आयकर अधिकारियों ने रसीदों की मांग नहीं की, उन्होंने बैंक की बातों को स्वीकार किया और काम हो गया। मेरे पास रसीदें हैं और मैंने तारीख मिटा दी है और इस साल की तारीख डाल दी है। मेरे पास $30,000 की रकम का तीन फर्म की इमारतों की भारी मरम्मत से संबंधित रसीदों का अप टू डेट सेट है, जैसा आयकर अधिकारियों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो रकम आपके मिंक कोट की कीमत से ज्यादा होगी, क्या नहीं होगी मिस सैली? मान लो आयकर अधिकारी काम का निरीक्षण करना चाहें, ये हजारों में एक चांस है। अगर वो करते हैं तब हम पकड़े जाएंगे, पर वे ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें दूसरे काम भी करने हैं। पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन की उनमें अच्छी साख है, इसकी बात पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, मैं इसका आपको वादा करता हूँ। वो गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराई, उसके दांत बहुत ही छोटे और सफेद थे। मैं सोचती हूँ इसी बात पर हमारे लिए एक बोतल शैंपेन होनी चाहिए। मिस्टर विंटर्स, तुम बहुत चालाक नौजवान लगते हो। उसने अपने बेड के पास लगी घंटी बजाई। मुझे लगता है तुम और मैं साथ में एक लंबी और खुशगवार साझेदारी के रूप में बिजनेस करने वाले हैं। ये सब कितना आसान था, मैं देख सकता था संसार के वे दरवाजे जो मैं अपने लिए खोलना चाहता था मेरे लिए अब खुले थे। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था और खुद को साबित करना था। हरगिज चांदी के आइस बकेट में शैंपेन लाया और इसे टेबल पर रख दिया। उसने अपनी उंगली के झटके से बोतल को खोल दिया, जिसमें उसे कई वर्षों के अभ्यास ने ही पारंगत किया होगा। उसने झागदार वाइन दो ग्लासों में उड़ेली और फिर एक ग्लास वेस्टल को और एक मुझे पेश किया। उसके बाद वो चला गया। हमारी लंबी और लाभदायक साझेदारी के लिए मिस्टर विंटर्स, वेस्टल ने कहा। उसने अपना ग्लास उठाया, हमने उसे पीना शुरू किया। वो शायद दुनिया की सबसे खराब शैंपेन थी जो मैंने चखी थी, इतनी बुरी कि बड़ी कठिनाई से मैंने अपने भावों को चेहरे पर आने से रोका। जब मैंने अपना मुंह ऊपर उठाया तो देखा कि वो मुझे देख रही थी। मुझे लगता है हरगिज ने शरारत की है, उसने अपना ग्लास रखते हुए कहा। ये वो कबाड़ है जो मैं नौकरों को किसी उत्सव पर देती हूँ। मैं अचानक गुस्से से लाल हो गया, मेरा पारा अचानक गर्म हो गया। शायद उसने सोचा हो यही मेरे लिए ठीक है, न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। हो सकता है मिस्टर विंटर्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये पुराने नौकर कई बार सिर पर चढ़ जाते हैं, तुम महसूस मत करो, वो तुम्हारा मुरीद हो जाएगा जैसे जैसे वो तुम्हें अच्छी तरह से जानने लगेगा। अब मिंक कोट का मामला तो निपट गया, फाउंडेशन के किराए के बारे में तुमने क्या योजना बनाई है? आप ये मत सोचना कि मैं अपनी आंखें मूंद कर इस झमेले में घुसता जा रहा था। वो अपनी तुम बहुत हैंडसम हो और चालाक नौजवान हो वाली बात से और घटिया शैंपेन से सिर्फ नम्र और दयानतदार होकर दिखा रही थी। तो इसका इस बात के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं था कि मैं वो काम कर रहा था जो लीडबीटर ने करने से मना कर दिया था। वो सिर्फ इतनी देर तक ही दिलदारी दिखा रही थी जब तक मैं उसके लिए फायदेमंद था। वो मिंक कोट को अपने खर्च वाले खाते में दिखाकर संतुष्ट नहीं थी, उसे और ज्यादा का लालच था। कोट के बाद अब उसे और ज्यादा किराया चाहिए था, और किराया मिलने के बाद वो 334 वेस्टर्न एवेन्यू की बिक्री का मामला उठाने वाली थी। फाउंडेशन का किराया, मैंने कहा जैसे मुझे अचंभा हुआ। ठीक है, मैं उसका हल भी आसानी से निकाल सकता हूँ, अगर आप इसका निपटारा चाहती हैं तो। कैसे? आपकी एस्टेट मैनेजमेंट फर्म बदलकर। मैं ऐसी फर्म को जानता हूँ जो आपके लिए बढ़े हुए किराए बिना किसी दिक्कत या परेशानी के वसूल कर सकती है। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 1। ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।